हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक मैकेनिकल ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दे और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के चैप्टर की सीरीज में एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2x2 का 0100। अभी कहता है प्रूफ दैट ए आई प्लस बी ए के पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी इंटू ए। इसको प्रूफ करने के लिए कहता है। तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा PMI और प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड, तो उसी का यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेंगे सॉल्यूशन। लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट, ये इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं। अब इसको पहले वन के लिए ट्रू चेक कर लेते हैं कि वन के लिए वेरीफाइड है या नहीं। तो फॉर एन इक्वल टू वन, अब एल एच एस लेते हैं, एल एच एस इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन। अब इसमें वन वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए। अब आर एच एस अब इसमें वन रखते हैं तो वन रखेंगे तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए, यानी दोनों देखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वन के लिए ये ट्रू है। तो अब जब वन के लिए ट्रू है तो अब चेक करते हैं और एन का वैल्यू किसके किसके लिए ट्रू होता है। तो मान लेते हैं, लिख देंगे P1 is true है। अब फिर ले लेते हैं लेट पी एम बी ट्रू। तो अब ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम आई प्लस एम ए एम माइनस वन बी ए, यही इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। वे आर एन इक्वल टू एम है। अब इसके लिए हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी एम प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। एम के लिए सेटिस्फाइड है तो पी एम के एम प्लस वन के लिए भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ये मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो लिखते हैं ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम इंटू ए आई प्लस बी ए। इस एम प्लस वन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है तो कोएफिशिएंट पावर ऐड हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ए टू द पावर एम आई प्लस एम ए टू द पावर एम माइनस वन बी ए। फ्रॉम इक्वेशन वन से पुट कर रहे हैं ए आई प्लस बी ए, हमने यहां ए इस ए आई प्लस बी ए टू द पावर एम प्लस वन को अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि ए आई प्लस बी ए का पावर एम का वैल्यू वन से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ अलग अलग लिख दिए। और वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है देखते हैं, ए एम प्लस वन आई स्क्वायर प्लस एम ए एम बी ए आई प्लस ए एम बी ए आई प्लस एम ए एम माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर।
अब इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका यूज करेंगे ए का वैल्यू, तो हम देखेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू जीरो आएगा, तो ये टर्म जीरो हो गया, इस टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गया, जो बाकी टर्म बचे हैं उसमें ए एम ए टू दी पावर एम का दो टर्म है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ए एम प्लस वन आई स्क्वायर इक्वल टू आई लिख सकते हैं, प्लस ए एम कॉमन हुआ तो एम प्लस वन ए एम बी ए, तो ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन शो कर रहा है दिस शोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस वन, क्योंकि m प्लस वन के जगह पर हम लोग n रख देंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूफ करना था, तो इसलिए वो स्टेटमेंट इक्वेशन जो हम लोग प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।